हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी हिंदी की रिमझिम पुस्तक की पढ़ाई करनी जारी कर रहे हैं। इसमें आपको रिमझिम पुस्तक के रोज़ाना एक पाठ पढ़ाया जाएगा और अगले दिन उसका पीडीएफ के थ्रू आपको उसके क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो मैं लेसन पढ़ाने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके अनुसार उसके क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। आज का हमारा पाठ है ऊँट चला, ऊँट चला, ऊँट चला भी ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भी ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो इस कविता में क्या कहा है, ऊँट के चलने की बात कही गई है कि ऊँट किस तरीके से चलता है। हिलता डुलता हुआ रेगिस्तान में ऊँट चलता है। ऊँट सबसे ऊंचा पशु माना जाता है और ऊँट की पीठ सबसे ऊंची होती है। तो कहते हैं ऊँट इतना ऊंचा लगता है कि मानो पूरा ऊंचाई पर चल रहा है, और उसकी गर्दन ऊंची है और उसकी पीठ भी ऊंची है, और अपनी ऊंची पीठ को उठाकर ऊँट चल रहा है। और इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट पेज पे लिखा है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बालू इसमें किसको कहा गया, रेत को, और बोझ जो भारी बोझ मतलब कोई वजन की चीज़ जब ऊँट उठाकर अपनी पीठ पर चलता है। तो कहते हैं अगर रेत है तो होने दो, ऊँट तो रेत में भी चलता रहता है, ना उसको कोई रेत की फिक्र है, उसके पैर अगर उसमें धंस भी जाते हैं तो वो आराम से रेत में चल पाता है, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। जिस जैसे जहाज़ की रफ्तार तेज़ होती है, उसी तरीके से ऊँट की रफ्तार रेत में चलने से तेज़ होती है। और कभी यह थककर बैठने की कोशिश करेगा तो ये कहते हैं कि किस तरफ बैठेगा, किस करवट की तरफ बैठेगा, मतलब किस तरफ करवट लेके बैठेगा, कोई बता सकता है, ऊँट चला भाई ऊँट चला। और इसी के साथ हमारी यह कविता समाप्त होती है। और इसका आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अगले दिन पीडीएफ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इसी तरीके से अपनी कॉपियों में लिखकर इसका अभ्यास करें।